हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई मेडिसिन के साथ, एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये जो आज की मेडिसिन है वो स्पेशली चाइल्ड मेडिसिन है। चाइल्ड में अच्छा एक्ट करती है, जैसे कि कैमोमिला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी मेडिसिन, आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, अपनी जो आज की मेडिसिन है वो है एथोसासाइनेपियम। इसे हम फूल्स पार्सले के नाम से जानते हैं, कॉमन नेम है इसका फूल्स पार्सले। दोस्तों, इसे डॉग्स पार्सले भी कहते हैं। इसका एक और नाम है दोस्तों, गार्डन हेमलॉक। दोस्तों, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में किसी नाम से भी पूछ सकता है कि गार्डन हेमलॉक किस मेडिसिन का कॉमन नेम है या फूल्स पार्सले किसका कॉमन नेम है। तो दोस्तों, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, गार्डन हेमलॉक, फूल्स पार्सले, डॉग्स पार्सले। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्रूविंग डॉक्टर नैनिंग ने की थी। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, एम्बलीफेरा फैमिली से बिलोंग करती है मेडिसिन ये। अब बात करते हैं इसके मियाज, टेम्परामेंट, हार्ट एंड किडनी रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम की नोट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करें इसके मियाज की। मियाज में दोस्तों तीनों मियाज जो मेनली मुख्यतः तीन मियाज माने जाते हैं मुख्यतः, वैसे तो चार हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलर, चार मियाज में, लेकिन मुख्यतः तीन ही माने जाते हैं, सोरा साइकोसिस सिफिलिस, ये तीन मुख्य मियाज में। तो तीनों इसमें रहेगा, तीनों टच करेंगे इसमें, तीनों मियाज उसमें मेजर जो तीनों मियाज में उसमें रहेंगे एक्यूट फॉर्म में। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम टेम्परामेंट की, इडियोसी टेम्परामेंट एंड इरिटेबल टेम्परामेंट। पेशेंट जो होगा इरिटेबल नेचर का होगा, इडियट टाइप का होगा, इडियट बिहेवियर का होगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करें हॉट एंड चिली रिलेशन की, तो पेशेंट हॉट होगा, हॉट नेचर का होगा, इसे गर्मी से दिक्कत बढ़ेगी, गर्मी के समय इसको दिक्कत बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें मेन पॉइंट है संकन कंडीशन। ऐसा लगेगा कि पेशेंट मरियल टाइप का दिखेगा, मरा सा दिखेगा, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा एकदम, जैसे लोग मर जाते हैं तो चेहरा पीला पड़ जाता है एकदम, उस टाइप का इस पेशेंट का चेहरा होगा। संकन आइज, आंखें धसी हुई, नाक धसा हुआ, उसके साथ नाक के पास एक और सिम्टम रहेगा लीनिया नेजलिस। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, लीनिया नेजलिस किस मेडिसिन में है, लीनिया नेजलिस एथुजा में है, ये चीज़ पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो मैंने कहा कि आंख धसा हुआ रहता है, नाक धसा हुआ रहता है, नाक के सिम्टम्स के साथ इसको लीनिया नेजलिस आपको ध्यान रखना है। लीनिया नेजलिस मीन्स नेजली के एक मसल्स होती है, नेजलिस मसल्स होती है, उसमें अगर इसको कोई दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए एपिलेप्सी आता है इस पेशेंट को, एपिलेप्सी में भी अच्छी दवा काम करती है बच्चों में खास करके, तो नाक अजीब टाइप का करने लगेगा पेशेंट, सिकोड़ने लगेगा, बनाने लगेगा अजीब टाइप का, तो उसे कहते हैं लीनिया नेजलिस इस मेडिसिन में है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका पेशेंट होगा कैसा, मोटा पतला तो होगा, कैसा होगा ये बात करते हैं। दोस्तों, इसका पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, इतना वीक होगा कि अपने आप को खड़ा नहीं रख पाएगा, वो अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाएगा, अपने सर को संभाल के नहीं रख पाएगा, सर गिर जाएगा, ऐसे रहेगा वो, इस टाइप का है। दोस्तों, ऐसा तो एब्रोटिनम में भी है कि अपने सर को होल्ड नहीं कर पाता वो भी पेशेंट, एब्रोटिनम का जो है दोस्तों, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों का फ़र्क जान लेना बहुत ज़रूरी है। एब्रोटिनम में जो पेशेंट था वो भी होल्ड नहीं कर पाता था अपने हेड को, अपने सर को होल्ड नहीं कर पाता था, रोक नहीं पाता था,
लेकिन उसमें मेरास्मस कंडीशन देखा जाता था, मेरास्मस की वजह से वो जो है नहीं कर पाता था ऐसा, लेकिन इसमें एक्सट्रीम वीकनेस होता है, इस वजह से नहीं कर पाता। एक्सट्रीम वीकनेस क्यों? डायरिया, वॉमिटिंग, आगे बताता हूँ क्यों। दोस्तों इसका की नोट्स कुछ बात कर लेते हैं, इसका की नोट्स क्या क्या होगा। दोस्तों इसका इसको जो पेशेंट होगा वो डेंटिशन के टाइम पे इसको दिक्कत होगा। बच्चों की मैंने बात की कि बच्चों में अच्छा काम करती हैं, खास करके डेंटिशन टाइम पर। दोस्तों डेंटिशन टाइम पर तो कैमोमिला भी बढ़िया काम करती है, कैमोमिला भी मैंने बताया है, उसमें भी डेंटिशन के टाइम पर दिक्कत होती है। दोस्तों ये भी डेंटिशन के, लेकिन इसका डेंटिशन प्रॉब्लम मेनली देखा जाएगा अगर, तो वो हॉट समर वेदर में देखा जाएगा। गर्मी के सीज़न में इसको अगर डेंटिशन बच्चों को निकलता है उसमें ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, ये बच्चा मिल्क को किसी फॉर्म में नहीं बियर कर पाएगा, किसी तरीके का मिल्क, चाहे बात कर लें हम गाय का मिल्क, चाहे बात कर लें भैंस का या मदर मिल्क, किसी को भी टॉलरेट नहीं कर पाता। जैसे ही ये दूध पिएगा तुरंत ही इसके शरीर में कोआगुलेट हो जाएगा दूध, जाके दूध फट जाएगा, फिर ये वॉमिट करेगा, फिर इसकी वॉमिटिंग जैसे होगी कर्ड लाइक होगी, वाइट या येलो कलर का कर्ड लाइक वॉमिटिंग होगी इसको। दोस्तों ज़्यादा मात्रा में उल्टी करेगा, इसी वजह से इसको वीकनेस भी आ जाएगा, उल्टी बार बार करेगा, वॉमिट बार बार करेगा, कर्ड फॉर्म में करेगा, थक्का थक्का जमा रहेगा। मैंने बताया कि जैसे ये अंदर जाएगा इसके दूध इसको दिक्कत होने लगेगी, कर्ड फॉर्म में कोआगुलेट हो जाएगा वो, जैसे उल्टी करेगा कर्ड फॉर्म में हो जाएगा वो। तो सर वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है कुछ खाने से या कुछ पीने से। खाने से इसका रिगर्जिटेशन होता है, जैसे ही एक पेशेंट खाएगा या तो तुरंत से या फिर घंटे भर के अंदर अंदर इसको रिगर्जिटेशन हो जाए। रिगर्जिटेशन मीन्स खाना लगेगा कि गले तक आ गया हमारे, इस वजह से भी वॉमिटिंग वगैरह हो जाता है। दोस्तों खाने पीने से इसको दिक्कत बढ़ जाती है, यूँ कहें हम तो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट है, प्यास नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती। दोस्तों प्यास तो एपिस और पल्सेटिला में भी है कि ऐसा थर्स्टलेस पेशेंट, उसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती किसी भी तरीके, ना वो गर्म पानी पीना चाहेगा ना वो ठंडा पानी पीना चाहेगा, किसी भी तरीके के पानी की प्यास नहीं होती है पेशेंट को एपिस में, पल्सेटिला में। उसी तरीके से इसमें भी है, किसी फॉर्म में पानी इसको प्यास नहीं लगेगी, प्यास थोड़ी सी भी नहीं होगी इसे, ना ये गर्म पानी पीना चाहेगा ना ये ठंडा पानी पीना चाहेगा, किसी भी तरीके की प्यास नहीं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि इसमें पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है, एब्रोटिनम मैंने बताया, एब्रोटिनम में भी सर को होल्ड नहीं कर सकता पेशेंट, वो वीक इतना ज़्यादा है उसमें। एब्रोटिनम में मिरास्मस की वजह था, इसमें एक्सट्रीम वीकनेस की वजह से है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें कि लीनिया नजलिस, मैंने बताया कि लीनिया नजलिस इसका एक मार्क्ड सिम्टम है, नेजल मसल्स जो होती हैं उसमें ये ट्विचिंग करता है, ट्विचिंग टाइप भी करता है, जब इसे एपिलेप्टिक अटैक आते हैं ऐसा सिम्टम इसमें देखा जाता है। फ्रेंड्स पेशेंट इडियोटिक टाइप का है, इसे किसी भी मेंटल वर्क में अगर हम लगाएंगे तो उसमें कन्फ्यूज टाइप का दिखेगा, ये कन्फ्यूज रहेगा हमेशा, कुछ मेंटल वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा, डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाएगा। इसी वजह से दोस्तों इनके जो देखा जाता है, जो इसका पेशेंट होता है उसमें एग्ज़ाम फियर होता है, एग्ज़ाम फियर के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है ये दोस्तों, एथुजासाइन एपीएम, बच्चे के दिमाग को तेज़ भी करती है ये दवा, बच्चों को जो पढ़े वो याद रहे, इस वजह से भी इसे यूज़ किया जाता है दवा को, क्योंकि मैंने बताया इसका जो पेशेंट होगा इडियोसी टाइप का होगा, इडियट टाइप का होगा, कुछ भी देखेगा मेंटल वर्क उससे होता ही नहीं, इसी वजह से उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कभी कभी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको हर्पेटिक इरप्शंस होगा, नाक के पास होंठ के पास इसको हर्पेटिक इरप्शंस होंगे, दाने 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 छोटे छोटे वाइटिश कलर के दाने होंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत छोटे छोटे, बड़े 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 नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो नाक के पास इसको हर्पेटिक इरप्शंस देखे जाएंगे। दोस्तों इसके मुंह के पास वाइटिश
ब्लूइश वाइटिश ब्लू पैलर कलर का इसको देखा जाएगा माउथ के आसपास। दोस्तों नेक्स्ट बात करें हम से एपिलेप्टिक का, मैंने बताया एपिलेप्सी में ये अच्छा काम करती है दवा। तो बच्चों की मैंने बताया कि बच्चों की मेडिसिन है, तो बच्चों में जब एपिलेप्सी आएगा, एपिलेप्सी का अटैक आएगा जब वो, तो उसका कैसा बिहेवियर होगा उस टाइम पे दोस्तों? इसका चेहरा लाल हो जाएगा पूरी तरीके से, फेस पूरा रेड हो जाएगा, क्लेंच्ड थंब होगा इसका, थंब जब भी इसको अटैक आएगा तो हाथ ऐसे कर लेगा वो, क्लेंच मतलब ऐसे पूरी मुट्ठी बांधी हुई और थंब खड़ा होगा ऐसा, ऐसा वो कर लेगा पेशेंट जिसको अटैक आएगा एपिलेप्सी का। दोस्तों इसके साथ साथ इसके जॉ जो हैं जबड़े, जबड़े बंद हो जाएंगे, खुलेगा नहीं, लॉक हो जाएगा, लॉक जॉ देखा जॉ, लॉक जॉ देखा जाता है उस टाइम पे जब एपिलेप्सी का अटैक आता है। मुंह से फ्रोथ आने लगेंगे साइड के, माउथ के साइड साइड से फ्रोथ आने लगेंगे दोस्तों, झाग टाइप का, फ्रोथ मीन्स झाग, गांज फेंकने लगेगा मुंह से, मुंह के किनारों से, ना कि पूरे मुंह से, क्योंकि उसका जबड़ा लॉक हो जाएगा उस टाइम पे। दोस्तों बात करें इसकी आँखें, उस टाइम पे आँखें अपनी ये डाउनवर्ड कर देगा, नीचे की तरफ उसकी आँखें हो जाएंगी और प्यूपिल्स फिक्स्ड हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ सिम्टम है इसका। इसमें पल्स की अगर हम बात करें, इसका पल्स कैसा होता है? पल्स स्लो होता है, क्विक होता है, धीरे धीरे चलेगा पल्स, लेकिन जल्द स्लो होगा, मतलब छोटा पल्स होगा, जल्दी जल्दी चलेगा। दोस्तों ये हो गया इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एंड की नोट्स। अब बात करते हैं इसका एग्रावेशन और एम्लियोरेशन किस चीज़ से है। तो दोस्तों इसका एग्रावेशन है खाने से, कुछ कुछ पीने से। इसमें देखा जाता है इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, दूध किसी भी फॉर्म में ये नहीं कर सकता, अब्जॉर्ब कर सकता, इसको उल्टी हो जाती है। दोस्तों दोस्तों इसमें देखा जाता है कि सुबह के 3 बजे 4 बजे के बीच में, सुबह भोर में इसको दिक्कत बढ़ती है। इसको समर हॉट समर वेदर में दिक्कत होती है, बिकॉज़ ये हॉट पेशेंट है, इस वजह से इसको हॉट समर वेदर में होता है। डेंटिशन की मैंने बताया, डेंटिशन के टाइम पे छोटे बच्चों को इसको दिक्कत होने लगेगी, उस टाइम पे बच्चों को दिक्कत आएगी। डायरिया होगा, इसका स्टूल जो होगा वो ग्रीनिश कलर का होगा, वॉमिटिंग कर्ड लाइक होगा, इसी वजह से जब भी डायरिया होगा, जब भी वॉमिटिंग होगा, तो इसे स्लीपीनेस फील होगा, इसको थकावट बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्सट्रीम वीकनेस लगेगा, कुछ खाने के बाद कुछ खाएगा पिएगा तो वॉमिट करेगा, वॉमिट करेगा तो वीकनेस लगेगी, सोएगा, सोना ज़्यादा पसंद करेगा उस टाइम पे। दोस्तों फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ही ये कुछ खाए पिएगा, उल्टी करेगा तो वीकनेस होगा, स्टूल करेगा तो वीकनेस हो जाएगी, स्लीपी टाइप का महसूस करेगा। दोस्तों एम्लियोरेशन इसका कैसा है, किस चीज़ से इसे आराम मिलता है? तो ओपन एयर में इसे आराम मिलता है, लाइक पल्सर टीला, पल्सर टीला में भी थ्रस्ट नहीं था, इसमें भी थ्रस्ट नहीं है, पल्सर टीला में भी ओपन एयर में अच्छा लगता है, इसमें भी ओपन एयर में अच्छा लगता है। दोस्तों नेक्स्ट सिम्टम किससे एम्लियोरेट होता है, तो ये दोस्तों कवरिंग इसे अच्छी लगती है। हेडेक वगैरह होगा तो ये अपने सर पे टाइट बैंडेज मार देगा, उससे आराम लगेगा इसको। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे इस मेडिसिन के, उम्मीद है आपको ये मेडिसिन समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर ये मेडिसिन आपको समझ में आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।